लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इंसान अगर चाहे तो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। इस बात को सच कर दिखाया है राजस्थान की सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली सफाई कर्मचारी आशा कंडार ने। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपनी किस्मत को भी पलट दिया है और आज वो राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा को पास कर डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं। राजस्थान नगर निगम में सफाई कर्मी के रूप में काम करने वाली आशा कंडार के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा को पास करना और डिप्टी कलेक्टर बनने तक का सफर तय करना इतना आसान नहीं था। नमस्कार, इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल पर हम आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं आशा कंडार की। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके सबसे बुरे दिन की, जब वह घर चलाने के लिए सड़कों पर झाड़ू लगाती थी। ना पूछो कि मेरी जिंदगी कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से इरादा किया है। राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली आशा कंडार के पिता राजेंद्र कंडार लेक सेवा से रिटायर हो चुके कर्मचारी थे। आशा की शादी 1997 में जोधपुर के एक निवासी के साथ हुई थी। उनके दो बच्चे भी हैं। आशा की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। 8 साल पहले पति से झगड़े के बाद वो अलग रहने लगी। उनके दोनों बच्चों के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी आशा के कंधों पर आ गई। घर चलाने के लिए और बच्चों का पालन पोषण करने के लिए आशा कंडार नगर निगम के तहत सड़कों पर झाड़ू लगाने का काम करने लगी। लेकिन आशा को सफाई कर्मचारी के रूप में नियमित नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी। इसके लिए उन्होंने 2 सालों तक नगर निगम से लड़ाई लड़ी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। घर चलाने के लिए सफाई कर्मी का काम करने वाली आशा स्कूटर में किताबें रखकर झाड़ू लगाने आती थी। एक दिन नगर निगम के अफसरों को देखकर उन्होंने खुद को अफसर बनने की ठानी। इसके बाद उन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के बारे में पता किया और फिर जी जान से इसकी तैयारी में लग गई। पूरा दिन काम करने के बाद वो मुश्किल से अपने लिए समय निकाल पाती थी, लेकिन उन्होंने हालातों के सामने कभी हार नहीं मानी और तैयारी में जुटी रही। काम करने के साथ साथ पढ़ाई करना आशा के लिए आसान नहीं था। उन्हें लोगों के ताने भी सुनने को मिले, कभी काम को लेकर तो कभी उनके तलाक को लेकर लोग तरह तरह की फप्तियां उन पर कसते थे, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों की परवाह नहीं की और अपनी तैयारी में जी जान से जुटी रही। बुझी क्षमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस ना, अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। आशा कंडार झाड़ू लगाने के साथ साथ खाली वक्त में किताबें लेकर सीढ़ियों पर बैठकर ही अपनी पढ़ाई पूरी किया करती थी। तैयारी के लिए ना उनका कोई टाइम टेबल था और ना ही कोई सुविधा। उन्हें जब भी वक्त मिलता वह पढ़ाई शुरू कर देती थी। पिछले 2 साल से आशा सड़कों पर झाड़ू लगाया करती थी। साल 2016 में उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। साल 2018 में उन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा का एग्जाम दिया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। 2018 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें आशा को 700 से अधिक रैंक मिली और राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2018 में आशा का चयन हो गया, जिसके बाद उनकी डिप्टी कलेक्टर के रूप में नियुक्ति हो गई। जो लोग उन्हें देखकर कभी मुंह मोड़ लेते थे, आज वो उनकी सफलता को देखकर हैरान हो जाते हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। आशा कंडार ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर अपनी सफलता की कहानी लिखी है। कभी सड़कों पर सफाई करने वाली आशा कंडार आज देश के एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत है। उन्होंने कभी संघर्ष के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि उनका डटकर सामना किया। यही कारण है कि आशा कंडार आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल आशा कंडार की मेहनत, उनके संघर्ष और उनके जज्बे की तहे दिल से सराहना करता है। उन्होंने करोड़ों लोगों को संदेश दिया है कि जो लोग सोच सकते हैं वह कर भी सकते हैं। आपको आशा कंडार के जीवन से क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि लोगों के दिमाग में कभी ये ख्याल न आए कि मैं यह नहीं कर सकता। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जीवन में बुलंदियों को छूने वाले लोगों के बारे में जान सको। और अंत में 2 लाइनें आपके लिए। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।